हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें हम चार लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के कपड़ों के नियमन के संबंध में आमतौर पर बुनियादी पारंपरिक कपड़े हैं। मध्य प्रदेश के जो पारंपरिक कपड़े हैं वो बहुत बेसिक हैं, जो लहंगा चोली इस तरह के, कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी अलग से उनका स्टाइल नहीं है। पुरुष धोती और कुर्ता या कमीज पहने रहते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का कोट होता है जिसे बंदी या मिर्जाई कहा जाता है, और इसी तरह का हेडगियर एक पगड़ी जिसे साफा कहा जाता है। पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक बहुत ही सिंपल धोती कुर्ता है, बस हाँ उसके ऊपर वो लोग एक ओवरकोट पहन लेते हैं जिसको बंदी या मिर्जाई कहते हैं वो लोग, और इसी तरह से वो सिर पर एक पगड़ी पहनते हैं जिसका नाम साफा है। मध्य प्रदेश की महिलाएं लहंगा और चोली को ओढ़नी या लुगरा के साथ पहनती हैं, जो उनके सिर और कंधों के चारों ओर लिपटा हुआ अतिरिक्त कपड़ा होता है। और जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वो भी जनरली लहंगा चोली पहनते हैं, उसके ऊपर वो लोग एक ओढ़नी पहनते हैं लुगरा जिसे कहते हैं, या और वो जो लुगरा या ओढ़नी जिसे हम कहते हैं वो उनके सिर पर ढका हुआ होता है, और कंधे के जिस तरह से नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं कंधे से आया हुआ नीचे लिपटा हुआ है उसको बॉडी के चारों तरफ, तो इस तरह से वो लोग उस अपने कपड़े को पहनते हैं, लहंगा चोली और उसके साथ में ओढ़नी या लुगरा जिसको कहते हैं। ये है मध्य प्रदेश की पारंपरिक पोशाक। इसके बाद हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र। सांस्कृतिक रूप से जीवंत और पारंपरिक रूप से सभी में इसकी महिमा है। महाराष्ट्र की वस्त्र सांस्कृतिक प्रतिष्ठित है और पूरे देश में जानी जाती है। जो महाराष्ट्र के पारंपरिक वस्त्र हैं वो बहुत जीवंत कलर्स के होते हैं, बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं, और पूरे देश में महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक बहुत फेमस है। यहाँ तक कि साड़ी राज्य की महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है। यह आश्चर्य होता है कि यह 9 गज की है और यह सभी को और अधिक क्लासिक बनाता है। जो वहाँ की पारंपरिक साड़ी है वो 9 गज की साड़ी होती है, 9 गजा साड़ी जिसको हम कहते हैं, और उस 9 गज की वजह से वो साड़ी पहनने में बहुत क्लासी लगती है। नौवारी साड़ी या लुगड़ा के नाम से जाने वाले साड़ी को एक चोली के साथ घुटने की लंबाई तक पहना जाता है, जो कि वहाँ की खासियत है। जो उनकी नौवारी साड़ी है जिसको लुगड़ा भी वो लोग कहते हैं, उसको वो लोग नी लेंथ पहनते हैं, यानी कि घुटने तक की लेंथ होती है उनकी साड़ी की, वो वहाँ की एक खासियत है। सामान्य रूप से असाधारण साड़ी पहनने की शैली है, जो एक धोती बांधने से मिलती जुलती है, और इसीलिए इसे नीचे पहनने के लिए पेटीकोट की आवश्यकता नहीं होती। जनरली साड़ी के नीचे पेटीकोट एक अलग से कपड़ा होता है, एक स्कर्ट टाइप वो पहनते हैं, आप सबको पता होगा पेटीकोट क्या होता है। लेकिन जो महाराष्ट्र की साड़ी पहनने का स्टाइल है उसके नीचे पेटीकोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो साड़ी का स्टाइल वो लोग पहनते हैं नीचे की तरफ वो एक धोती की तरह बंधा हुआ होता है, एक धोती की तरह वो लोग अपनी साड़ी को बांधते हैं और उसी को ऊपर कंधे पे वो लोग ड्रेप कर लेते हैं, इसीलिए नीचे पेटीकोट की ज़रूरत नहीं होती। चोलियों ने अपनी खुद की एक शैली भी धारण की है, क्योंकि उन्हें नोट्स के साथ बांधा जाता है। जो चोलियाँ पहनते हैं वो लोग, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक नोट के साथ में वो लोग अपनी चोली को टाई करते हैं। जैसे जनरली चोली में हुक या जिप तो नहीं, पर हाँ हुक से चोली की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, लेकिन वो लोग उनकी जो अलग तरह की चोली है, एक स्टाइल जो उनकी चोली का है वो ये है कि वो नोट्स के थ्रू साड़ी अपनी चोली को बांध लेते हैं। महाराष्ट्रियन पुरुष पारंपरिक रूप से धोती के रूप में जानी जाने वाली धोतर पहनते हैं, जिसे वे एक तंग फिट छोटी आस्तीन की शर्ट के साथ पहनते हैं जिसे फेटा कहा जाता है, और साथ में पगड़ी नामक हेड ड्रेस भी होता है। जो महाराष्ट्रियन पुरुष हैं, महाराष्ट्रियन मेल्स हैं, वो लोग जो धोती पहनते हैं उसको धोतर कहते हैं, धोतर के नाम से वो लोग कहते हैं अपनी धोती को, और उसी के साथ में वो लोग जो ऊपरी कुर्ता पहनते हैं वो टाइट फिटिंग होता है जिसकी छोटी आस्तीन होती है, उसी के साथ में वो लोग एक हेड ड्रेस पहनते हैं उसको पगड़ी वो लोग कहते हैं। जनरली हेड ड्रेस सबकी पगड़ी ही है, बस किसी किसी का नाम अलग है।
नेक्स्ट आता है आपका मणिपुर। भारत के अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह मणिपुर की भी अपनी विशिष्ट पारंपरिक पोशाक है। जिस तरह से भारत के और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसी तरह से मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्यों की एक अलग से पोशाक है, उसी तरह से मणिपुर जो राज्य है वहाँ की भी अपनी एक पोशाक है। राज्य की महिलाएं एक स्कर्ट के रूप में छाती के चारों ओर लिपटी हुई एक सेरोंग पहनते हैं जिसे फानिक कहा जाता है। आप लोगों ने सेरोंग, मैंने पहले भी आप लोग को बताया क्या होता है, सेरोंग एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पीस होता है जिसको सिर्फ एक तरफ गांठ मार के पहना जाता है। तो जो वहाँ की स्कर्ट के रूप में वो लोग सेरोंग पहनते हैं जिसको वो लोग अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं उसको वो लोग फानिक कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल और बुने हुए शॉल या दुपट्टे जिसे इनापी कहा जाता है पारंपरिक महिला पोशाक को पूरा करने के लिए ऊपरी शरीर पर गोल लिपटा होता है। ये होता है डबल रिपीट है। और वो लोग एक शॉल की तरह ऊपर से एक कपड़ा लपेट लेते हैं जिसको इनाफी कहते हैं। ये भी उनका एक पारंपरिक पोशाक को पूरा करने के लिए एक दुपट्टे की तरह होता है। मणिपुर राज्य के पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक के रूप में धोती और जैकेट पहनते हैं। जैकेट नॉटेड धोती का पूरक होता है जो लंबाई में 4 से 5 मीटर की होती है और लुक को एक सफ़ेद पगड़ी के रूप में पूरा किया गया है। जो मणिपुर राज्य के पुरुष हैं उनकी भी पारंपरिक जो परिधान है वो धोती और कुर्ता है, उसके ऊपर वो लोग एक जैकेट पहनते हैं अपनी पोशाक को पूरा करने के लिए। जो धोती होती है वो सबको पता है कि धोती को बांधा जाता है, धोती कोई सिला हुआ पीस नहीं होता, तो वो लोग भी धोती को नॉट के थ्रू बंद करते हैं। जो धोती होती है उनकी वो 4 से 5 मीटर जितनी लंबी होती है, जिस तरह से एक 5.5 मीटर की होती है, और उस अपने लुक को पूरा करने के लिए वो लोग ऊपर से एक सफ़ेद कलर की पगड़ी पहनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेघालय। एक राज्य जो विभिन्न प्रकार की जनजातियों का एक समूह है। मेघालय में कई पारंपरिक पहनावे भी हैं। जैसे हमने पहले भी एक झारखंड स्टेट पढ़ी थी उसमें भी बहुत अलग अलग तरह के आदिवासी लोग रहते थे, उसी तरह से मेघालय में भी बहुत सारी जातियों का समूह रहता है, इसीलिए वहाँ के पारंपरिक पहनावे में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। खासी महिलाएं जैनसेन या धारा के कपड़े पहनती हैं, एक ऐसा वस्त्र जो शरीर के चारों ओर घूमता है और इसे बेलनाकार आकार देता है। जो खासी जनजाति की महिलाएं हैं वो लोग जैनसेन या धारा नामक कपड़े पहनते हैं जिसको वो लोग अपने बॉडी के ऊपर ड्रेप कर लेते हैं, जिस तरह से एक बेलन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट, इसी तरह का लुक उनके पहनावे में आता है। खासी जनजाति के पुरुष भी अपनी कमर के चारों ओर कपड़े की तरह धोती का एक बिना सिला हुआ टुकड़ा पहनते हैं जो ऊपर बिना कॉलर के एक लंबे बिना आस्तीन के कोट के साथ पहना जाता है। जो खासी जनजाति के पुरुष हैं वो लोग भी एक धोती पहनते हैं जो कि बिना सिली हुई होती है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिना सिली हुई कपड़े का टुकड़ा जिसे धोती कहते हैं वो पहनते हैं, और लेकिन उसी के ऊपर वो लोग एक विदाउट कॉलर विदाउट स्लीव्स एक कोट जैसा कपड़ा पहनते हैं। नर खासी पोशाक को जिम फोंग नाम से जाना जाता है। जो खासी जनजाति के मेल्स की कॉस्ट्यूम है उसको जिम फोंग कहते हैं। दूसरी ओर गारो पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक के रूप में एक लंगोटी पहनते हैं। गारो भी वहाँ की एक जनजाति है। वहाँ के जो गारो जनजाति के जो पुरुष हैं वो लोग एक लंगोटी जैसा पहनते हैं अपनी पारंपरिक पोशाक में, जबकि गारो महिलाओं के पारंपरिक परिधान में एक ब्लाउज के साथ साथ बिना बांधे कपड़े को कमर के चारों ओर बांधा जाता है। जबकि जो गारो जनजाति की महिलाएँ हैं वो लोग एक ब्लाउज़ के साथ में एक कपड़े को नीचे लपेट लेते हैं जिसे गन्ना के नाम से जाना जाता है, जिसे दो विशिष्ट डिज़ाइन में पहना जाता है, पहला दकमांडा और दकसाड़ी। तो ये दो गारमेंट हैं जो गारो जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। वो बिना नॉट किए उस कपड़े को बांध लेती हैं अपने कमर के चारों और बस उसको लपेट लेते हैं, उसको एक तरफ टक कर लेते हैं,
इसके स्टाइल दो हैं, एक है दकमांडा, एक है दकसाड़ी। इन दो तरीक़ों से अपना वो गारमेंट, अपनी वो जो कपड़ा जिसको वो लोग बांधते हैं, ये दो तरीके हैं उसको बांधने के। जयंतिया जनजाति की महिलाएं अपने वेलवेट ब्लाउज़ को थो खिरवांग नामक एक सिरोंग के साथ जोड़ते हैं, जिसे कमर के चारों ओर भी लपेटा जाता है। जो वहाँ की जयंती जनजाति की महिलाएं हैं, वो लोग एक वेलवेट ब्लाउज़ पहनते हैं जिसको थो खिरवांग कहते हैं, उसी के साथ में एक सिरोंग पहनते हैं वो लोग नीचे, जिसे बस नॉर्मली ही जैसे हम नीचे पिक्चर में देख रहे हैं येलो कलर की जो बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हुई हैं नीचे, बस उसको अपने ऊपर इन्होंने लपेटा हुआ है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है आपका मिज़ोरम, जिसको हम अगली जो हमारा लेक्चर बनेगा उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।